हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे ओप्पो के एक और अपकमिंग स्मार्टफोन ओप्पो F22 Pro 5G के बारे में। इस डिवाइस के रिगार्डिंग कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लीक हो गया है और इस बार हमें इस डिवाइस में बहुत ही ज़्यादा कमाल का स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स देखने को मिलेंगे। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है सूरज दास और आप सभी का स्वागत है टेक सूरी यूट्यूब चैनल में। बातचीत की शुरुआत करेंगे हम ही डिवाइस के बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन से। तो आपको डिवाइस में ग्लास का बैक देखने को मिलेगा जो कि ग्लास के फ्रंट के साथ आएगा और फ्रेम आपको प्लास्टिक का देखने को मिल जाएगा, मतलब बिल्ड क्वालिटी आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगी। डिज़ाइन की ओर ध्यान दें तो रियर के टॉप लेफ्ट में कैमरा मॉड्यूल मिलेगा जहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग मिलेगी, LED फ्लैश मिलेगा और नीचे की ओर ओप्पो की ब्रांडिंग भी मिलेगी, मतलब जो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन है एकदम डिसेंट रहने वाला है। डिवाइस जो गुड लुकिंग रहने वाला है, डिज़ाइन आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्प्ले की ओर ध्यान देता आपको इसमें 6.58 इंच का फुल HD प्लस AMOLED का 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। अब ये जो डिस्प्ले है कंटेंट वॉचिंग और गेमिंग दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिस्प्ले रहने वाला है। इसके अलावा अब हम इसके परफॉर्मेंस की ओर ध्यान देता आपको इसमें Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब ये जो प्रोसेसर है 4nm की फेब्रिकेशन पर बना हुआ Qualcomm का अच्छा खासा पावरफुल प्रोसेसर है। ये जो प्रोसेसर है आपको Qualcomm Snapdragon 778G के ऑलमोस्ट इक्वल परफॉर्मेंस को निकाल के दे देगा, मतलब है परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है। और रैम की बात करें तो 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज आपको 20 वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। और ये जो डिवाइस आपको UFS 3.1 के साथ LPDDR5 रैम टाइप भी प्रोवाइड करेगा, मतलब भाई रीडर स्पीड और स्टोरेज टाइप मतलब कि रैम टाइप भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको इसमें एंड्रॉइड 13 मिलेगा जो कि ColorOS 13 के साथ आएगा और ColorOS का जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अब हम इसके कैमराज की ओर ध्यान देते हैं, आपको इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे 64 MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा जो कि 8 MP के अल्ट्रा वाइड के साथ आएगा और 2 MP का एक यूजलेस कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। आप इस डिवाइस के रियर कैमरा पे 4K वीडियो 30 FPS पर कैप्चर कर पाओगे और फ्रंट में आपको 32 MP का सेंटर पंच होल कटआउट देखने को मिलेगा जहाँ पे आप फुल HD प्लस वीडियो 30 FPS पर कैप्चर कर पाओगे, मतलब भाई कैमरा क्वालिटी भी है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फीचर्स की ओर ध्यान दिया जाएगा, जैसे फेस अनलॉक मिलेगा जो कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आएगा, सेंसर्स में एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ड्यूल स्टूडियो स्पीकर्स और 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है, मतलब कि भाई सेंसर्स भर भर के दिए गए हैं और मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस भाई ड्यूल स्टूडियो स्पीकर से बढ़ जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है, मतलब भाई पैकेजिंग डिवाइस की काफ़ी सही की गई है। इसके अलावा अब हम इसके बैटरी डिपार्टमेंट की ओर ध्यान देते हैं, आपको जैसे 4800 mAh की बिग बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। अब ये जो डिवाइस है 4nm की फैब्रिकेशन पे बना हुआ है, एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से निकाल के दे देगा और वाई एन चार्ज खत्म भी होगा तो 67W का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अब डेस्क के प्राइस की ओर ध्यान दें तो इसका जो प्राइस हम लोग को डेफिनेटली ओवर प्राइस ही देखने को मिलेगा। ब्रांड की तरफ से ऑफिशियली इसका प्राइस कंफर्म तो नहीं किया गया, लेकिन लीक्स और रूमर्स की माने तो इसका जो प्राइस हम लोग को 25,000 रुपीज़ के अराउंड या फिर 30,000 रुपीज़ के मतलब कि 25 से 30 हज़ार के बीच में देखने को मिल सकता है, मतलब भाई प्राइस जो है डेफिनेटली 7 to 8,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। अगर ये डिवाइस 20,000 के अंदर आता है तो एक बढ़िया पैकेजिंग हो सकता है, लेकिन 30,000 के अराउंड अगर ये डिवाइस चला गया, इवन 25,000 के अराउंड भी ये डिवाइस चला गया तो डेफिनेटली ये जो डिवाइस है बहुत ही ज़्यादा बेकार रहने वाला है। तो ओप्पो से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो ओवर प्राइस के अलावा। इसके अलावा अब हम डिवाइस के इंडिया लॉन्च डेट की ओर ध्यान दें तो इस डिवाइस का जो इंडिया लॉन्च डेट है इसको लेकर ब्रांड की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी लीक्स की माने रूमर्स की माने तो ये जो डिवाइस हम लोग को मार्च मंथ इधर अप्रैल मंथ तक में इंडिया में लॉन्च होते दिख सकता है। वेल गाइज, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको डिवाइस का कौन सा स्पेसिफिकेशन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर ये डिवाइस हम लोग को 25,000 या 30,000 रुपीज़ का अराउंड देखने को मिलता है तो इस डिवाइस को लेकर आपका क्या ओपिनियन रहने वाला है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करिए। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद ना आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो में क्या कमी लगी, ताकि हम उसको भी पे ध्यान दें और नेक्स्ट टाइम को और भी ज़्यादा बेटर और इम्प्रूव कॉन्टेंट देने की कोशिश कर सकें।